हाँ, ईवीएम पर हमारे कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। जो महागठबंधन बना है ईवीएम को लेकर फिर से आप लोग कहीं ना कहीं एकजुट हो रहे हैं और नहीं एकजुट थे हैं और रहेंगे, क्या कारण है सर ईवीएम को लेकर? सर क्या चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है? नहीं, बात ही हमारे कुछ प्रश्न है जी ईवीएम के बारे में, उसका हम उतने ही है जी। सर आपने हिंदुत्व की बात कही लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हिंदुत्व की जब आप बात कर रहे हैं कि कोई भी सामाजिक संगठन या जो भी है उसको संवैधानिक पद छोड़ देना चाहिए, जो हिंदुत्व की बात करते हैं संवैधानिक पद छोड़ देना चाहिए। सर आपने बात कही, बात यह है हिंदुत्व का संविधान में कहीं उसका है क्या उल्लेख? नहीं नहीं है, फिर क्या दिक्कत है सर? तो फिर बीजेपी कह रही है कि आपने कमलनाथ पर निशाना साधा है क्योंकि उन्होंने 72% तो उन्होंने क्या गलत कहा है? यहाँ इस देश में हिंदुओं की जनसंख्या जो है बताना कोई पाप है क्या? लेकिन भारतीय संविधान के आधार पर ही ये देश चलेगा और जो लोग भारतीय संविधान की शपथ लेकर आज पद पर बैठे हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। सर आप लोगों पर जो एफआईआर हो रही है प्रियंका रसिक ने मोदी जी की दिन का तारीख की कौन है ये सर? आप एफआईआर हो रही है सर प्रियंका गांधी।